नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सही फ्रेंड को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप देख सकते हैं पीछे जो बहुत ही सारा कोहरा पड़ा हुआ है दोस्तों, और दोस्तों साइड में यानी 2 दिन मतलब 1 दिन पहले यहाँ पर पानी वर्षा हुआ था, तो कीचड़ कचड़ भी है दोस्तों ज़मीन पर। तो मैं दोस्तों ऐसे ही खड़ा हूँ, और गाँव पे दोस्तों मेरे यहाँ पर कोई सेटअप नहीं है, ना ही मेरा ऐसा घर है कि मैं आपको थोड़ा दोस्तों सही से वीडियो बनाकर आपके पास पहुँचा सकूँ दोस्तों। तो मैं अपने खेतों तरफ निकल आया हूँ, तो वहाँ पर मैंने सोचा कि आपको कुछ जानकारी दे दूं बैंकिंग के बारे में दोस्तों, जो कि बैंक में आपका जो 17 रुपये कट रहा है बिना मतलब का, भी चार्ज आपको देना पड़ रहा है दोस्तों, और आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपका बैंक कब आपसे 17 रुपये काट लेते हैं ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने पर दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आप मतलब किसी UPI के थ्रू पेमेंट करते हैं, या फिर दोस्तों किसी बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करते हैं, और आपका जो चार्जेस है वो 17 रुपये कुछ पैसे काट लिए जाए, यानी सर्विस टैक्स आपसे काट लिए जाते हैं दोस्तों। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको 17 रुपये से कैसे बचें दोस्तों, क्या करना है दोस्तों, और ये भी बताऊंगा दोस्तों कि जो UPI है ये चार्जेस तो नहीं काट रही या काट रही है दोस्तों, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिक्लेयर करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है ना। इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि मैंने काफ़ी बैंक से यूज किए, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, इलाहाबाद बैंक, बहुत सारे बैंक मैंने यूज किए, उनमें से खाली एक ही बैंक में मुझे डाउट आया, वो बैंक है दोस्तों SBI का, ठीक है ना। और SBI भी जैसे कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो 1 महीने से 4 से ज़्यादा, ठीक है ना, जैसे 4 से ज़्यादा करोगे तो आपका ट्रांजेक्शन कट जाएगा दोस्तों। और इस कंडीशन में ये ट्रांजेक्शन है दोस्तों, ये सर्विस टैक्स क्यों काट रहा है, क्या कार्य क्या रीज़न है दोस्तों, अब मैं आपको दोस्तों पहले बात बता देता हूँ। जो ये UPI होता है, जैसे मान लीजिए गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, कोई सा भी अप्लीकेशन जो UPI के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है, तो दोस्तों UPI एक भी चार्जेस नहीं लेता दोस्तों, क्योंकि दोस्तों UPI की सेवा बिल्कुल फ्री है, और अब कोई भी एप्लीकेशन आपसे एक भी बैंक से पैसा नहीं काटता, और जो पैसा कटता है दोस्तों वो आपका बैंक से ही कटता है दोस्तों। ये चीज़ बिल्कुल डिक्लेयर है, मैंने दोस्तों चेक कर ली है, और पूरा पूरा मैंने इस सिस्टम को निकाल के फिर मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे इस बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या SBI है दोस्तों, किसी भी रीज़न से आपको 17 रुपये ना कटे दोस्तों, तो इस कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए दोस्तों। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपका पहले तो मैं बता दूं कि पैसा क्यों कट रहा है, क्या कारण है, क्या रीज़न है पैसा कटने का, रीज़न ये दोस्तों ये हो सकता है कि आपका अकाउंट जनधन का होगा, फिर जीरो बैलेंस का अकाउंट खुला होगा दोस्तों, डेफिनेटली पक्का आप जाके चेक कीजिए। अगर आपका जीरो अकाउंट का है या जनधन का खाता है, तो दोस्तों 100% अगर 4 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा करोगे महीने में UPI के थ्रू अपने मोबाइल से दोस्तों, तो आपका 17 रुपये कुछ पैसे कटेगा ही दोस्तों। अब जब तक आप उस बैंक को जाके अपने उस बैंक में मतलब उस अकाउंट को जाके उस बैंक में अपडेट नहीं कराते, उस जीरो बैलेंस का एक खाता है जो उसे आप इंक्रीज नहीं करवाते, इस कारण पे आपका जो पैसा हो 17 रुपये हर ट्रांजेक्शन पे करता रहेगा, अगर आप 4 ट्रांजेक्शन से महीने में ज़्यादा कर रहे हैं तो दोस्तों। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप बैंक जाइए, बैंक जाने के बाद वहाँ पर आपको अपना खाता इंक्रीज अपडेट करवा देना है, जिस कारण आपका खाता भी सिक्योर रहेगा और कोई भी चार्जेस पे करने नहीं पड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बस यही थी छोटी सी वीडियो जो कि मुझे आपको बतानी थी, और क्यों पैसे कट रहे हैं क्या है दोस्तों, आप सब कुछ समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेज आपको मिली हो, तो दोस्तों प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब करिए या ना करिए लेकिन लाइक जरूर करिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।